Assalamualaikum, dear learners, and welcome in this video, which is about social entrepreneurs and social entrepreneurship. One of my favorite topic. First, we will see who social entrepreneurs. Hota hain. A social entrepreneur is a person who pursues a novel cause that have the potential to solve community-based problems. These individuals are willing to take on the risk and effort to create positive change in society. थ्रू देयर इनिशियटि यानी सोशल ऑनटरपनोर्स बेसिकली वो ऑनटरपन्यस हैं जो अपना बिजनेस प्रॉफिट के लिए नहीं करना चाहते आपके इर्द गिर्द बहुत से मसाए हैं मिसाल के तौर पर लोगों को नौकरी नहीं मिल रही एक मसला है यानी अनएम्प्लॉयमेंट पावर्टी इज एन इशू अनएप्लॉयमेंट का इशू भी इससे रिलेट करता है पॉवर्टी से फिर उसके बाद जिसरा हमने कहा था आपका ताल्लुक माइनॉरिटी के साथ है आपको जॉब नहीं मिल रही या आप अपना बिज़नेस करना चाहते हैं या ख़ुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है ये सारे इश्यूज हैं आपके इर्द गिर्द इनको सॉल्व होना है सो वाई नॉट कि हम कोई ऐसा बिज़नेस कोई ऐसा वेंचर क्रिएट करें जो इन सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो सॉल्व कर रहा होता है बेसिकली वो सोशल ऑन्टपन्योर होता है यानी उसने जो अपना वेंचर अपना बिजनेस जो क्रिएट किया है उसका प्राइमरी पर्पज़ उसका मकसद किसी ना किसी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है इन क्रक्स डूइंग द बिजनेस फॉर अ सोशल कॉज बेसिकली सोशल ऑन्टरप्रनोरशिप ने अपनी रूट्स इस तरह से पकड़ी कि ये काम तो बेसिकली ज्यादातर एन कर रही थी यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा होगा एन ही बेसिकली इस तरह के इश्यूज चाहे वो एजुकेशन से हो चाहे वो पावर्टी से हो चाहे वो वुमेन राइट्स right से हो बेसिकली ये सारे इश्यूज एन डील कर रही होती हैं लेकिन एन का बिजनेस मॉडल और उसकी सस्टेनेबिलिटी सारी की सारी ठहर जाती है डोनेशंस और फंड्स के ऊपर यानी जब तक एन को डोनेशंस आ रही हैं या फंड्स आ रहे हैं चाहे वो अ, अ, जिसे कहते हैं लोकल कम्युनिटी uh, दे रही है चाहे वो इंटरनेशनल फंडिंग आ रही है जब तक तो उनको पास फंड्स आ रहे हैं वो सस्टेन करते हैं जैसे फंड आना बंद हो जाते हैं एन भी बंद हो जाती है इस एक मॉडल को ब्रेक करने के लिए और किसी भी अच्छे और नोबेल कॉज के लिए बनी इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के लिए बेसिकली एन और बिजनेस के मॉडल को मिक्स किया गया और इसी मिक्सचर का नाम है सोशल ऑन्टरप्रन्योरशिप यानी इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सोशल ऑन्टरप्रनोरशिप ब्रिंग्स कॉमर्स and social causes together according to a web source which is managementstudyguide.com social entrepreneurship is all about recognizing the social problems and achieving a social change by employing entrepreneurial principles processes and operations or major portion of the profit of this business usually is donated for the special कॉज आपको आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये एक बिजनेस मॉडल ही होता है लेकिन इस बिजनेस मॉडल को बनाया जाता है इस वेंचर को क्रिएट किया जाता है इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया जाता है ताकि कोई ना कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का हल तलाश किया जा सके इसका जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो प्रॉफिट भी किसी ना किसी स्टेक या स्टोक होल्डर को बेसिकली नहीं जा रहा होता वो सारा प्रॉफिट री हो रहा होता है इसीलिए सोशल ऑन्टरप्रनोरशिप की सिग्निफिकेंस उसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है यही सोशल ऑन्टरप्रनोर बेसिकली गवर्नमेंट के साथ मिल के और एन के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं और लोगों के बहुत से मसाइल हल कर रहे होते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं मिसाल के तौर पे आप जब इंटरनेट पे जाएंगे और सोशल ऑन्टरप्रन्योरशिप को ढूंढना शुरू करेंगे तो सबसे पहली एग्जाम्पल जो आपको मिलेगी वो मिलेगी ग्रामीण बैंक के बैंक है बैंक के अपने प्रोसीजर्स हैं बाहिर तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो बिजनेस कर रहा होता है लेकिन ग्रामीण बैंक बनाया गया था बेसिकली अल्ट्रा पुअर लोगों के लिए चूँकि ये वो कम्युनिटी है ये वो अनबैंकड कम्युनिटी है जिनके पास कोलेट्रल्स नहीं थे ऑफर करने के लिए इनको कोई लोन भी नहीं देता था तो ग्रामीण बैंक बनाया गया जो इस तरह की कम्युनिटी को लोन देता था वो कम्युनिटी अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू करती थी और उसके बाद जितना लोन लिया गया था वो लोन उनको वापस कर देती थी और ग्रामीण बैंक इज अ सक्सेस स्टोरी यानी हैरत अंगेज तौर पर ये अल्ट्रा पुअर कम्युनिटी जिनके बारे में हम ये सोचते हैं कि इनके पास शायद पैसे खाने के लिए भी ना हो इन इनमें से 99 परसेंट लोगों ने सारे लोन्स वापस किया यानी रिकवरी रेट एज कंपेयर टू द कमर्शियल बैंक रिकवरी रेट वाज 99%। परसेंट सो इसीलिए ग्रामीण बैंक इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑन्टप्रनोरशिप अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहते हैं तो अख़ुवत का एक ऐसा मॉडल है जिसको हम कहते हैं कि वो सोशल ऑन्टप्रनोरशिप के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है अख़ुवत भी एक ऐसी फाउंडेशन है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो Uh, इसी कम्युनिटी को जिनके पास बैंक को ऑफ़र करने के लिए कोई को नहीं है उनको अपना छोटे पैमाने पर कारोबार करने के लिए लोन देता है लेकिन अख़ूत की स्पेशलिटी क्या है ये कर्ज़ हंसना देता है ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता सो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए ये बहुत हैरान कन बात थी कि एक इंस्टीट्यूशन है वो लोन देता है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करता और उसके बावजूद वो इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है उसकी फाइनेंशियल उसकी ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी है सो अगेन अखुवत इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सोशल ऑन्टप्रनीरशिप और हम डॉक्टर अमजद साकिब को एक सोशल ऑन्टप्रनीर के रूप में देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल टू के अंदर uh, ये मॉडल बहुत मशहूर हुआ था कि एक ऐसा रेस्टोरेंट शुरू किया गया जिस रेस्टोरेंट के अंदर जब लोग आते थे खाने के लिए तो वहाँ पर टोटल डार्कनेस होती थी जो वेटर्स थे जो खाना सर्व कर रहे थे देवर ब्लाइंड पर्पज़ क्या था कि एक रेस्टोरेंट है लोग आए अच्छा खाना खाएं लेकिन साथ साथ कॉज ये था कि लोगों को ये एहसास दिलाया जाए कि वो लोग जो ब्लाइंड हैं वो कितनी खूबसूरतियों से महरूम हैं और साथ साथ जो ब्लाइंड कम्युनिटी थी उनको जॉब भी दी गई थी सो इस तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जिसमें आपको एक बिजनेस मॉडल भी नज़र आ रहा होगा लेकिन साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि उस बिजनेस को करने का जो पर्पज है वो प्रॉफिट अर्निंग हरगिज़ नहीं है वो किसी एक सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तीन बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं किसी भी सोशल एंटरप्राइज के जिसमें सबसे बड़ा तो इशू है उनकी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी सेल्फ सफिशेंसी ये क्या चीज है आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है आप दोबारा उस प्रॉफिट को किसी नोबल कॉज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आपके प्रॉफ बिज़नेस से क्या इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है यानी इन अदर वर्ड्स अगर अख़ुआत इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता तो क्या अख़वत के पास इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है कि अख़ुआत अपने ऑपरेशन और अपने बिज़नेस के फाइनेंशियल मैटर्स ख़ुद चला सके क्योंकि बिज़नेस के ऑपरेशन भी तो चलाने हैं सो so, इसी लिए अख़ुआत जहाँ पर अपनी ऑपरेशंस और अपनी सेल्फ सफिशेंसी के लिए रिलाई करता है अपनी इनकम के ऊपर उसके साथ साथ उन्होंने डोनेशन और फंड रेजिंग वाला ऑप्शन भी ओपन रखा हुआ है और सबसे बड़ी बात बिजनेस सस्टेनेबिलिटी क्या ये इंस्टीट्यूशन सस्टेन कर सकते हैं क्या ये मॉडल एनजीओ से ज्यादा बेहतर है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सोशल ऑन्टरप्रीनोरशिप पे और बहुत कुछ कहा जा सकता है इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना था कि आपको ये बताया जा सके कि आप भी सोशल ऑन्टरप्रनोर बन सकते हैं और आपकी एंटरप्राइज एक सोशल एंटरप्राइज हो सकती है एक ऐसी सोशल वैल्यू क्रिएट कर सकती है जिससे आपकी इर्द गिर्द की जितनी कम्युनिटी है उसके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें वैसे तो आप जॉब क्रिएटर बन ही जाते हैं एज एन ऑन्टरप्रनोर और एक वैल्यू क्रिएट कर ही रहे होते हैं आप लोगों को जॉब्स दे रहे होते हैं उनका एक सिलसिला जो है वो बन रहा होता है इनकम का बट अगेन एक ऐसा एंटरप्राइज जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अंडर प्रिवलेज कम्युनिटी की uh, जिंदगी को बेहतर बनाना और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो नथिंग इज मोर देन ब्यूटीफुल, इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता सो यू वन द नेक्स्ट वीडियो